नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। साप्ताहिक बाजार शुरू करने की विक्रेता संगठनों ने की मांग, एक वर्ष में रकम दोगुनी करने के नाम पर 4,21,000 की ठगी। पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। साप्ताहिक बाजार शुरू करने की विक्रेता संगठनों ने की मांग। नागपुर शहर और जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया था। एक सप्ताह बाद इसमें कुछ शिथिलता दी गई, लेकिन अब भी साप्ताहिक बाजारों को शुरू नहीं किया गया है। इससे हजारों दुकानदारों पर रोजी रोटी का संकट आ गया है। इसे देखते हुए साप्ताहिक बाजारों को जल्द शुरू करने तथा लॉकडाउन की उपयोगिता की समीक्षा करने की मांग साप्ताहिक बाजार विक्रेता संगठन ने की है। तो वही दूसरी ओर एक वर्ष में रकम दोगुनी करने के नाम पर 4,21,000 की ठगी। नागपुर धंतोली थाना अंतर्गत स्कीम में निवेश करने पर दोगुनी रकम रिफंड के नाम पर 4,21,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों के नाम सुदत्ता प्रमोद रामटेके और लोकेश जनार्दन वाघमारे बताया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलतरोडी रोड शताब्दी चौक निवासी डॉक्टर सपना पंकज पाटिल ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि एस प्रिंस कचल अपार्टमेंट गजानन नगर टी पॉइंट स्थित ई गेम एशिया कंपनी की ओर से उन्हें कहा गया कि यदि उनकी स्कीम में निवेश किया जाए तो 10 से 1 वर्ष के भीतर दोगुनी रकम मिलेगी। डॉक्टर सपना कंपनी के झांसे में आ गई और 4 सितंबर 2020 से शुक्रवार 26 मार्च 2021 के बीच 4,21,000 रुपए कंपनी में निवेश कर दिए, लेकिन उन्हें रिफंड के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। उसके साथ हुई धोखाधड़ी की बात समझ में आते ही उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो वही तीसरी और पिकअप वैन की टक्कर से बुजुर्ग की मौत। नागपुर न्यू कामठी थाना अंतर्गत मॉर्निंग वॉक पर निकले एक वृद्ध को किसी अज्ञात पिकअप चालक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम न्यू एरखेड़ा निवासी गयाशंकर इंद्रपाल कश्यप बताया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गयाशंकर हर दिन की तरह सुबह 5:15 पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे। इसी दौरान कलमना रोड पर सिटी हॉस्पिटल के सामने किसी अज्ञात पिकअप वाहन चालक ने तेजी से गाड़ी चलाते हुए गयाशंकर को टक्कर मार दी और फरार हो गया। टक्कर से वह बुरी तरह जख्मी हो गए और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर पिकअप वैन चालक की तलाश शुरू कर दी है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।